प्रतापगढ़ शहर में एक तरफ जहां पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं शहर के सार्वजनिक स्थान पर वर्धमान ग्रुप एवं राम वाटिका ट्रस्ट द्वारा लोगों को निःशुल्क आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। गर्मी के समय में इस नेक कार्य के लिए सबसे पहली पहल शहर सभापति कमले डोशी ने की थी। इन्होंने शहर के वर्धमान ग्रुप के माध्यम से 3 वर्ष पूर्व जल रथ का शुभारम्भ किया था, जो इस बार 4वें साल भी सार्वजनिक स्थल पर प्यासे लोगों के कंठ की प्यास बुझाकर नेक और पुण्य कमाने का कार्य कर रहा है। वहीं इस वर्ष मई में नगर के व्यवसायी धर्मराज सोनी द्वारा भी एक जलरथ नगरवासियों को समर्पित किया गया है। ये जलरथ श्री रामवाटिका ट्रस्ट के माध्यम से शहर में चलाया जा रहा है। ट्रस्टी संजय जैन ने बताया कि श्री रामवाटिका ट्रस्ट द्वारा इस वर्ष वाटर कूलर का भी शुभारम्भ किया गया था, जिसके द्वारा शीतल जल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ से मनोज राठौड़, हेमंत सेन एवं टीम कांडल की आवाज़, प्रतापगढ़।